सब्सक्राइब कीजिए हाउ कैन आई हेल्प यू चैनल को और दबाइए बेल आइकन को इस चैनल का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाउ कैन आई हेल्प यू चैनल। मैं हूं अभिजीत, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं Xiaomi Redmi 4। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, ये रहा Xiaomi Redmi 4 फोन की बॉक्स। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। तो बॉक्स की साइड पे लिखा है Redmi 4, और पीछे की तरफ देख लेते हैं। पीछे की तरफ ऊपर के साइड पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है रैम 3 GB एंड रोम 32 GB। और सबसे बढ़िया चीज़ जो देखने को मिल रहा है वो है मेड इन इंडिया। एप्पल सैमसंग की तरह बड़े बड़े ब्रांड के फ़ोन में भी आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। और उसके नीचे है इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन, और स्पेसिफिकेशन को मैं अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। इस फ़ोन का स्पेसिफिकेशन इस फ़ोन की प्राइस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इस फ़ोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 435 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और इसके साथ साथ आपको मिल जाएगा 12.7 सेमी HD डिस्प्ले यानी कि 5 इंच का डिस्प्ले, और आपको मिलेगा इसके साथ साथ 2.5D कार्ब ग्लास जो फ़ोन को एक बढ़िया लुक देता है। और इस फ़ोन के बैक साइड पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा जिसका पोजीशन बहुत ही अच्छा है, और 4100 mAh का बैटरी मिलेगा जो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बैटरी होने वाला है। उसके साथ साथ 13 MP का रियर कैमरा, और इसके साथ आपको मिल जाएगा 5 MP का फ्रंट कैमरा। तो चलिए फटाफट इस बॉक्स को अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर और क्या क्या चीज़ है। तो दोस्तों, ये रहा फ़ोन Xiaomi Redmi 4 फ़ोन। तो चलिए अभी फ़ोन को साइड पे रखते हैं और इसके साथ साथ देख लेते हैं, यहाँ पे ये रहा यूज़र मैनुअल। तो चलिए इसे भी साइड पे रखते हैं, और नीचे ये रहा वारंटी कार्ड। चलिए इसमें भी देखने लायक खास कुछ नहीं है, इसे भी साइड पे रखते हैं। और ये रहा चार्जर केबल, चलिए खोल के देख लेते हैं इसका साइज कितना होगा। तो लगभग ये 2 फीट का होगा शायद। और ये रहा चार्जर, और इस चार्जर की आउटपुट वोल्टेज या करंट क्या होगा वो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए 5 वोल्ट DC और 2 एम्पियर का आउटपुट आपको मिल जाएगा इस चार्जर से। और पीछे की तरफ यहाँ पे USB पोर्ट है जहाँ पे आपको चार्जर केबल लगाना पड़ेगा। तो ये रहा USB पोर्ट, और इस चार्जर से फ़ोन को चार्ज होने में वक्त लगेगा लगभग 3.5 आवर। और ये रहा सिम स्लॉट ओपनर पिन, इस पिन से आप अपने फ़ोन के सिम स्लॉट को ओपन कर सकते हैं। चलिए अभी एक नज़र डालते हैं फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी पे। तो ये रहा फ़ोन, फ़ोन के लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगा ऑन ऑफ बटन, और इसके साथ साथ मिल जाएगा वॉल्यूम डाउन एंड वॉल्यूम अप बटन। और फ़ोन की जो बैक साइड है यहाँ पे है फिंगरप्रिंट स्कैनर, रियर कैमरा एंड फ्लैश। और फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो पोजीशन है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसे आप सिंगल हैंडेड भी यूज़ कर पाएंगे। और फ़ोन की जो राइट साइड है यहाँ पे आपको सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ जूम इन करके, इस फ़ोन की जो देखिए सिम स्लॉट है उसके नीचे एक छोटा सा होल है, यहाँ से ही आपको वो जो ओपनर पिन है उसे डाल के इस सिम स्लॉट को निकालना पड़ेगा। और नीचे की साइड पे है माइक्रो USB पोर्ट। माइक्रो USB पोर्ट के दोनों साइड पे स्पीकर है, आप देख सकते हैं दोनों साइड पे स्पीकर के होल है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फ़ोन की बिल्कुल बीच में ये रहा IR LED, इसके मदद से आप फ़ोन को ऐसे रिमोट कंट्रोल भी यूज़ कर पाएंगे। और ये रहा हेडफोन जैक। चलिए अभी फटाफट इस फ़ोन की लुक कैसा है वो आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों, इस फ़ोन की प्राइस है 9000, और 9000 रुपीज़ में आपको बहुत सारे स्पेसिफिकेशन इस फ़ोन से मिल जाता है, जैसे कि 3 GB रैम एंड 32 GB रोम, और इसके साथ साथ आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर भी मिल रहा है, और बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलेगा क्योंकि इसका जो बैटरी है वो है 4100 mAh की। तो लगभग आपको 10 to 12 आवर्स की बैटरी बैकअप इस फ़ोन से आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से 9000 रुपीज़ के अंदर ये सबसे बढ़िया फ़ोन है। अभी इस फ़ोन की जो सिम स्लॉट है उसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ इस फ़ोन का जो सिम स्लॉट है कैसा है, क्योंकि इस फ़ोन की सिम स्लॉट दूसरे फ़ोन से कुछ अलग है, क्योंकि इस फ़ोन का जो सिम स्लॉट है वो है हाइब्रिड सिम स्लॉट। और इस तरह की सिम स्लॉट में या तो आपको एक मेमोरी कार्ड और एक सिम कार्ड लगाना पड़ेगा,
या तो आपको दो सिम कार्ड लगाना पड़ेगा। अगर आप मेमोरी कार्ड यूज़ करेंगे तो इस तरह के सिम स्लॉट में आप दो सिम कार्ड यूज़ नहीं कर पाएंगे, पर इस तरह की सिम स्लॉट में भी आप एक साथ मेमोरी कार्ड एंड दो सिम कार्ड यूज़ कर पाएंगे। उसके लिए आपको एक छोटा सा चीज़ खरीदना पड़ेगा, वो है सिम स्लॉट एडाप्टर। वो किस तरह की है वो आप स्क्रीन के राइट साइड पे देख सकते हैं, और उसे किस तरह से आप यूज़ करेंगे ये सारे डिटेल्स जानने के लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दिया है, उसके साथ साथ ऊपर कार्ड में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, ये एक वोल्टी सपोर्टेड फ़ोन है, इसलिए इस फ़ोन में आप आराम से जियो का सिम यूज़ कर पाएंगे, बट एक साथ आप दो जियो का सिम इस फ़ोन में यूज़ नहीं कर पाएंगे। चलिए अभी फटाफट मैं इस फ़ोन को ऑन कर लेता हूँ, और अभी इस वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट करने वाला हूँ क्योंकि ये बूटिंग होने में काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है ताकि आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो। तो चलिए, अभी फ़ोन बूटिंग हो रहा है और अभी फ़ोन ऑन हो चुका है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इस फ़ोन का सेटिंग को ओपन करता हूँ, और सेटिंग को ओपन करके इस फ़ोन का जो स्पेसिफिकेशन है वो सारे चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ, और इस फ़ोन का रैम रोम कितना है वो भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अबाउट फ़ोन पे जाऊँगा, और अबाउट फ़ोन पे जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, और डिवाइस नेम है रेडमी, मॉडल नंबर है रेडमी 4, एंड एंड्रॉयड वर्जन मिलेगा 6.0.1 मार्शमेलो, एंड एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल 2017, MIUI वर्जन 8.2। इसका CPU है 1.4 गीगाज का ऑक्टा कोर, रैम है 3GB का, और इंटरनल स्टोरेज 32GB का है, आप 24GB तक ही यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हाउ कैन आई हेल्प यू चैनल को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।